हमारे मियां मोहम्मद अली जिना साहब से। मतलब आप एक लड़की हैं तो इन बंदों में बैठ नदीम गौरी भाई क्या दौर में जब ये नशा भुट्टो बाहर चला गया, उसने तो प्लांट लगाए थे बाहर सारे पहाड़ों में। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है जनाब। गंदा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज हम उन खास लोगों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन कुछ स्पेशल होना चाहिए। सुबह का टाइम है और इतवार के रोज को मद्देनजर रखते हुए ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है और ऐसे स्पेशल लोग हैं। अभी तो वो अपने कामों में मसरूफ नजर आ रहे हैं, कुछ सियासत के हवाले से भी बात करते हैं, कुछ महंगाई के हवाले से भी, कहाँ से लेते हैं, कैसे पीते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल की? आगे चलते हैं, इनसे तो बात नहीं हो पा रही, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल जी? नदीम गौरी भाई कैसे हैं? आप जानते हैं मुझे जी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। ये पकड़े, अच्छा मुझे ये बताएं, हर तबका जो है ना महंगाई से परेशान है, लोग मर रहे हैं यहाँ पे भूख से। सारा हम नशे से मर रहे हैं, लोग भूख से मर, खाने से मर रहे हैं, आप पीने से मर रहे हैं। हमें खाना नहीं, हमें नशा चाहिए। सारा हमको नशा लग गया है, छोटी उम्र में लगा है, लेकिन वो अब जो 100 रुपए का मिलता था वो अब 1000 रुपए का देते हैं। किधर से लाए? एक बात बताए, आप सब लोग यहाँ पे, आपको जहाज क्यों कहते हैं? जहाज किसी को सवारी, किसी की उतारनी हो ना तो वो हम उतारने कहते हैं। पढ़ने का ना मान करी ते नीते अखी में पड़िया, ओ जबार कहा रखवावे जड़ा रोड दवे दुध कड़िया। हुन केड़ा दुध रोड दा जे दसो, हुन ते बुढ़ी रोड दी बुढ़ी 1000 रुपए दी जे भाजी, ओ भी बड़ी औखी लभदी जे हाथे भाजी। नहीं एड्डी महंगी क्यों, तुसी इहतजाज नहीं करदे एड्डी महंगी चीज? भाजी कहंदे ने असी हाथे और लोग भी पैसे देने तो, हुकूमत के हवाले से सियासत के में इंटरेस्ट है आप लोगों को? नहीं नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट लीडर नहीं। अच्छा तो निजाम अच्छा का, लीडर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अच्छा, इमरान खान था ना, सब कुछ भाई ठीक ठाक था, जब से इमरान खान चला गया है उन्होंने ऐसी महंगाई की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान के होते हुए ठीक मिलती थी, सस्ती थी? हां बहुत अच्छी थी, सस्ती थी, खुद भी यूज करता था ना इसलिए हर बात पैसे करता था। आप साथ ये, अच्छा भाई आप बताएं, आप मतलब मेकअप कर रहे हैं जी भाई? आपने साथ मेकअप भी किया हुआ है? भाई मैं कोई नशा नहीं करता, मैं वैसे इनके साथ लेक्चर देने आए हुए, मैं इनका दोस्त हूँ, वैसे इनके साथ बैठता हूँ, इनको मैं ये समझाता हूँ कि ये अच्छा काम नहीं है, ये छोड़ दो, इतनी महंगाई है। मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं कि लात तोड़ दिया, लात तोड़ दिया जी इनकी, बड़ा ज्यादती की है। अच्छा मुझे प्लास मारा मुझको। अच्छा मुझे एक सेकंड यार, मैं अपनी बहन से भी बात कर रही हूँ। अच्छा आप बताएं, ये पकड़ लें जरा, आप बताएं पैसे कैसे मैनेज कर लेते हैं, इतनी महंगी हो गई है, पहले पहले कितने? मैनेज की बात नहीं होती है, ये होती कोई 50 कोई डाल लेता है, 100 कोई डाल लेता है, 20 कोई डाल लेता है। सर्जिकल का काम भी करती हूँ, बस ग्लव्स का भी काम करती हूँ, लेकिन मतलब आप एक लड़की हैं तो इन बंदों में बैठ के आपको मतलब नहीं, मुझे ये फील होता है कि मैं अपनी, मैं मुझे जब भी मैं आती हूँ मेरे सर पे प्यार देते हैं, मुझे अपनी बहनों की तरह समझते हैं। अच्छा मतलब कितना टाइम आप लोग एक साथ गुजारते हैं? ज्यादा नहीं, ये एक घंटा बैठेंगे, घंटा दो बैठेंगे, फिर सब शब मानते, जरूरत नहीं कि पीना, जब एक बंदे का वॉलेट ही नहीं है उसके पास, ठीक है, जो कुछ तो और वॉलेट ले गई है हाँ। तो उसको भी तो ढूंढना ना आपका वॉलेट। अच्छा आप अपने बटुए के लिए उसके पीछे आए, लेकिन उसके अंदर मेरी, क्योंकि मैं मुलाकात पे भी नहीं उसके पास जा सकती हूँ ना, इसके लिए इंतजार कर रही हूँ। यार कैसे लग गया आप लोगों को ये? जो आदमी सिगरेट पीना शुरू करता है, फिर उसके बाद बूटी, चर्स, बंग, उसके बाद पाउडर, हीरोइन, शराब, जो कुछ भी मिलता है। अच्छा आप क्या हुकूमत से क्या अपील करेंगे, जैसे इमरान खान के होते हुए सस्ती थी, हुकूमत से अपील करें जरा? हाँ इसको रियायत करना चाहिए, आम इधर वो जैसे पहले होते थे ना कारखाने, वैसे एक जगह होनी चाहिए कि जहाँ हम जाकर पैसे दें, अपना काम करें,
कोई पुलिस शुलिस नहीं पकड़े, ठेके होने चाहिए सर। अच्छा ठेका कोई सरेआम होनी चाहिए। सरेआम आपको कितनी देर हो गई है नशा करते हुए? सर 17-18 साल हो गए हैं मुझको हीरोइन पीते हुए। आपके घर बार बहन भाई माँ बाप किधर? माँ बाप फोत हो गए हैं, बहन ने आप शादी शुदा है आप? नहीं मैं सर, मेरे भाई अभी कुंवारे हैं। तो इतना महंगा नशा कैसे सपोर्ट करते हैं? कैसे वही दसने के भाई 500 तो घट दे आते अगले चपेट नहीं मारते। अच्छा नहीं मेरे को 500, मैं किसी को कहना यार 250 तू पा ला, 250 मैं पा लेना। अच्छा लीडर आना चाहिए जैसे हमारे मियां मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे जी, ऐसा कोई लीडर अभी तक तो ना आया तो ना कोई होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज़ साहब वापस आ रहे हैं जी, खान को अंदर कर, मतलब आप क्या कहेंगे? इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है जनाब। नहीं मैं नहीं समझती, उस जैसा गंदा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। सबसे ज्यादा नशा उसने फैलाया। सस्ता था सबसे ज्यादा उसने फैलाया। मियां साहब की बात करते हो, वो गरीब बंदे के हक में सबसे बेस्ट थे। गरीब वो सबसे बेस्ट है और उसको आना चाहिए। ज्यादा में जब ये नशा भुट्टो बाहर चला गया, उसने तो प्लांट लगाए थे बाहर सारे पहाड़ों में, तो उधर से ही जहाज बाहर जाएगा, गोरा लोग लगेंगे। ये मात्र लोग लग गए हैं, ये नवाबों का काम है। असी गरीबा ने की पीना? हाँ जी तो उन्हें फ्री बंडिया उस पट्टो बाहर टुर गया। पट्टो बाहर जो गया तो जिया देख गया अपनी, उदो उन्हें यार नशा फैलाया सर। उस तो बाद फिर जिदे जिदे अलग तो आ थले तू आ चला गया। ये तो था, ये गोरों को लगना चाहिए था, आप लग गए हैं यार, अंग्रेजों को लगना चाहिए था। यही तो बात है ना, ये जिया साहब को दुआएं देना। देखो कि आपने जिया का दौर देखा? नहीं सर देखा तो नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। उस वक्त मैं बहुत ही छोटा था। मतलब आप होते तो आप जिया के दौर में क्या करते? क्या करते जमा कर लेते? अभी उस वक्त क्या बताऊं आपको क्या करता। ये जो आपने मेकअप किया हुआ है ये तो दिखाए ना हमारे नाजरीन को, ये क्यों किया हुआ ये बताएं। मैं फेस पर अपना, मैं फेस किसी को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है भाई, गाड़ी चलानी होती है, मैंने रोड मारते हैं ठीक है सब कुछ कर। चौधरी भैया चौधरी अपने क्या बात है, कैसे शूज पाए? मेहरबानी जी वजह सारे ने सही बच गए ने, वरना इन्होंने जनाब तशद्दुद भी करना सी ते जनाब पैसे धेला भी खोख लिया। देख लो हूं मावा भैन दालां कड़ के गए कि साड़ी इज्जत नहीं है इन्होंने ज्यादा इज्जत है। मेहरबानी सी जिंद वजह से सानू मतलब कुछ नहीं किया गया, नशे भरावान कुछ नहीं किया गया, नहीं तो सारे बड़ा
चलो मेहरबानी सर, मेहरबानी। इंटरव्यू के इख्तिताम पर आपने खूब देखा कि किस तरह पुलिस आ गई, छापा पड़ गया और इनकी तलाशी भी ली गई, इनसे निकला तो कुछ नहीं या उन्होंने निकाला ही कुछ नहीं तो इनको जाने तो दिया। इनका कहना है कि हमारी वजह से बच गए, अगर हम लोग ना होते तो इन पर मजीद डंडा चलाया जाता, तलाशी दी जाती और दिहाड़ी भी लगाई जाती। तो फिलहाल इस तबके की भी हमने आपको मुकम्मल तौर पर आगाह किया कि इनके हालात कैसे हैं, इनके जो मामलात हैं वो किस तरह मुतासिर हुए हैं महंगाई से। तो फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।